आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसे आप रमज़ान में बना सकते हैं और शाम में जब भी भूख लगे तब बना सकते हैं। अगर गेस्ट आए तो बना सकते हैं। और ये बहुत ही चटपटी और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है, ये आलू टिक्की चाट की रेसिपी। तो स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की चाट के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज़ का आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है और एक बाउल में ऐड करके यहाँ पे चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। इसके साथ जो मेन इंग्रेडिएंट होता है राइस फ्लावर, ये ऐड किया है 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, पर डालिएगा ज़रूर। राइस फ्लावर से ही इसमें जो क्रिस्पीनेस आता है ना, राइस फ्लावर या फिर कॉर्नफ्लावर से ही आता है, तो इससे टिक्की का शेप दे देंगे। और इसे फ्रीज़र में कम से कम 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, तभी इसका जो टिक्की है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। थोड़ा सा आलू जब चिल रहेगा तो जब फ्राई करेंगे तो उसके बाद ये जो है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो में हम इसे फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक। इसे दोनों साइड हम फ्लिप करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस से सारे टिक्की को फ्राई कर ले अच्छा सा कलर आने तक। आवाज से समझ में आ गया होगा ये कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए बनाते इस टिक्की से टिक्की चाट। एक प्लेट में टिक्की डालने के बाद इसे हल्का सा क्रश कर लिया ताकि जो भी फीलिंग हम ऊपर से डालेंगे वो अंदर तक जाए, अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है, हरी चटनी ऐड किया है और साथ में मीठी वाली इमली वाली चटनी ऐड किया है। ऊपर से थोड़ा सा अनार ऐड किया। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, रमज़ान में बनाइए स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की, बहुत ही जायकेदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।